It's love. मैं एकलव्य, ये मेरी कहानी है जिसकी शुरुआत होती है मेरे जन्म से। परंतु मेरी जन्म कुंडली से जब इस सत्य का पता चला कि मेरी मृत्यु मेरे अपने ही कुलवंशी के हाथों होगी, मेरी माता श्री ने मुझे यदुवंश से दूर करने का निर्णय लिया। किंतु यदुवंश के विनाश की सौगंध खाने वाले मगध नरेश जरासंध के हाथों मेरे प्राणों की रक्षा करते हुए मेरी माता श्री ने अपने प्राण गंवा दिए और मैं एक माता की गोद से बिछड़कर जंगल का बेटा बन गया। ये मेरा सुमेरु का पुत्र कहलाएगा। एकलव्य। मैं और मेरे मित्र वन में खेल रहे थे, आने वाले खतरे से अनजान। अरे जल्दी चलो। चलो भाग। अब क्या हुआ? बस अब और नहीं, पहले पानी पीना है मुझे, उसके बाद ही चलेंगे। अरे बेटे, कबीले पहुँच कर पानी पी लेना। तुम्हें पता है ना, मेरू बाबा को जब गुस्सा चढ़ता है तो वो क्या कर सकते हैं। चलो भागो जल्दी। वो देखो जंगल के कितने अच्छे लोग मटके रखे हैं पानी पीने के लिए। चलो चलो रुको रुको बिटन बिटन। अरे चलो चलो एकलव्य। अरे सिकुड़ा, क्या कर रहे हो तुम सब? बचाओ बचाओ बचाओ। ये दो मुझे, ये कमरे दो। पानी के द्वारा ही मैं अपने खोए हुए बेटे से मिल सकती। तुम लोग मत भागो, मेरी सहायता करो। परसों पहले जब मैंने अपने बेटे को जन्म दिया था, मैंने तभी उसे खो दिया था जब मैं जंगल में अपने बेटे को ढूंढ रही थी, तब मैं एक योगी बाबा से मिली। उन्होंने मुझे ये कमंडल दिया और मुझसे ये कहा कि इसमें काली के तालाब का पानी भर, जिस पत्ते का चेहरा इसमें ठहर जाएगा वही मेरा बेटा होगा। क्या ये मेरे लिए आई है? एक बार मेरे बेटे का चेहरा इस कमंडल में पड़ जाए, उसे पता चल जाएगा कि वो मेरा बेटा है या नहीं। झूठी है वो सब कहानियां, सब झूठी है। चलो। वही कमंडल मुझे इसमें देखना चाहिए। काम नहीं करना तो बोल दो, मुझसे झूठ बोलकर फिर से घूमने चले आए। नहीं बाबा, वो कमंडल, वो औरत। तेरा खेल और तेरी कहानियां मुझे समझ में नहीं आती। इतना समझाया पर कुछ ऐसा नहीं। नहीं बाबा, बाबा मेरी बात सुनो। बाबा
मेरा बेटा। उस स्त्री की बात से मैं था ये सोचकर परेशान कि कहीं वो मेरी माता तो नहीं, परंतु तभी घटी एक विचित्र घटना। ठीक है सुमेरु, लाके। बाबा, मैं भी लकड़ियां लेकर आता हूँ। पहचाना नहीं बच्चों, कमंडल वाली। कुछ लोग मुझे माया भी बुलाते हैं और कुछ लोग चुड़ैल भी, पर मैं तो भूल भुलैया हूँ। यहाँ क्यों आई हो? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे ये लड़का चाहिए। क्यों ढूंढ रही हो मेरे बेटे को? इसके वजह से अब ये मेरा बेटा है। बच्चे की परछाई इस पानी पर रह जाएगी। महाराज, वही आपका सबसे बड़ा शत्रु होगा, वही होगा यदुवंशी। महाराज, जरासंध को सूचना तो भेज दी गई है, वो स्वयं यहाँ आ रहे हैं अपनी पूरी सेना को लेकर। पर तुम सबको डरने की जरूरत नहीं है, अगर डरना है तो बस एक को। मैं अपने बेटे को अपने से दूर जाने नहीं दूंगा, और अगर इसके लिए जोर जबरदस्ती की जरूरत पड़ी तो उसके लिए भी तैयार है हम। ना ना, जोर जबरदस्ती? समीरा अपनी मायावी शक्तियों पे विश्वास रखती है। अब तुम सब
तुम सब कल इस बच्चे को मेरे सामने लेकर आओगे, क्योंकि अब मैं उसे माया के चक्रव्यूह में बांधने वाली हूँ। ये चांद जब कल लौट कर आएगा तो तुम्हें इसे मेरे पास लेकर आओगे। विवश कर दूंगी मैं तुम्हें इसे मेरे पास लाने के लिए। अगले दिन मेरी सुरक्षा को लेकर मेरे बाबा और कबीले के सभी लोग थे चिंतित। हम इसे ऐसे नहीं जाने देंगे। तभी चुड़ैल ने किया अपना अगला प्रहार। किट्टन कहाँ गया? किट्टन! किट्टन! बस बहुत हो गया, चल। अरे चल, मैं तुझे लेके चलती हूँ उस चुड़ैल के पास। कोरा को मत मारिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बाबा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। हर बार कबीले वालों की, जानवरों की, हर किसी की रक्षा की है बाबा, सबकी रक्षा की है मैंने। सारा संसार एक तरफ हो जाए एकलव्य, पर तेरा बाबा हमेशा तेरे साथ है। मेरे होते तुझे कभी कुछ नहीं होगा। और रही बात इसे उस चुड़ैल तक ले जाने की, तो आओ फिर छू कर दिखाओ। आज सुमेरु सब भूल जाएगा, ना कोई रिश्ते ना कोई अपना बन। माना उसी कबीले के घुमोरा और डमरू ने किया मेरे साथ विश्वासघात। हमने इसको इतने वर्ष अपने बीच शरण दी, इसके लिए हम तुमसे क्षमा चाहते हैं, तुमसे भी और महाराज जरासंध से भी। ये पहने हुआ था ये जब सुमेरु को मिला था। पहचानती हूँ मैं इसे, ये तो यदुवंशियों की पहचान है, चांदी का कड़ा। तुम यदुवंशी हो, देखो पहचानो अपने आप को। स्मरण हो रहा है भूतकाल में बीते हुए कुछ चेहरे। मिल गया हमें यदुवंशी महाराज, मिल गया। हमें आ गया तो समीरा आ गया है। नहीं, माँ उसे लेके चलो, माँ। समाप्त हुआ तुम्हारा ये संघर्ष, क्योंकि महाराज जरासंध इस जंगल में पधार चुके हैं और मैं जा रही हूँ उनके स्वागत के लिए।
एकलव्य। बाबा मेरे वर्षों पुराने प्रतिशोध का परिहास बनाए, जरासंध को ये कदापि स्वीकार नहीं है। मायावी औरत, नहीं महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैं आपके समक्ष यदु को लाकर रहूंगी। इसी जंगल में है वो यदु, ज्यादा दूर नहीं गया होगा अभी तक। वो चारों दिशाओं में फैल जाओ, ढूंढ कर लाओ उस यदु को। जाओ उसे मेरे पैरों के नीचे, जाओ। अब चलो यहां से, महाराज की सेना आती होगी। दिग्या, महाराज, महाराज देखिए, देखिए यदु दिग्या। जरासंध के सैनिक मुझे और मेरे बाबा को ढूंढते हुए कर रहे थे सभी कबीलों पर अत्याचार। क्यों मार दिया उस कबीले के सारे लोगों? क्या किया था उन्होंने? महाराज जरासंध के साथ नहीं लड़ सकते, ये बात हमें मान लेनी चाहिए। हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, महाराज जरासंध का संरक्षण या उनके हाथों मौत। एक रास्ता और है, अगर हम उत्तर दिशा वाली उस पहाड़ी पुलिया तक पहुंच जाएं, तो वहां हमें महाराज से मुक्ति का शस्त्र मिल सकता है। शस्त्र? हाँ। इस पहाड़ी पुलिया के उस पार जाना होगा, महाराज से सदा की मुक्ति का वो शस्त्र उधर ही है। चलो रुको, ये पहाड़ी पुलिया है, इस पर एक बार में दो ही लोग चल सकते हैं, ज्यादा वजन नहीं ले सकती, टूट जाएगी। चलो एकलव्य, मैं और तुम चलते हैं। चलो कर रहे हैं। मेरा और तुम्हारा साथ यही तक का था मेरे बेटे, क्षमा कर तुम मुझे, ये जंगल तुम्हारा घर नहीं है एकलव्य, तुम भारी हो, चले जाओ एकलव्य। मैं आपका बेटा हूं और हमेशा आपका बेटा ही रहूंगा। मैं अभी आ रहा हूं बाबा, मैं अभी आ रहा हूं। रुक जाओ एकलव्य, अगर तू एक कदम भी आगे आया तो मैं इसी वक्त यही अपनी जान दे दूंगा। नहीं बाबा, मैं आगे नहीं आऊंगा, मगर आप कुछ मत करना। Thank you.
जाओ एकलव्य, जाओ इन जंगलों से दूर और जी लो अपना जीवन, हंसते खेलते। सावधान रहो, किसी को भी नहीं छोड़ना है। मुझे छोड़कर मत जाइए बाबा, मैं बेटा हूँ आपका, तुम्हारा अपना एकलव्य। जाओ।